नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ। और देखते हैं आज का दिन यानी कि 30 नवंबर 2021 कैसा जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, आज का दिन सामान्यता जाएगा, कुछ खास उतार चढ़ाव चीज़ों में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे चल रही हैं चीज़ें चलती रहेंगी। आपको आज के दिन अपने ऊपर काम करने का बेहतर अवसर, अपॉर्चुनिटी और टाइम भी मिलेगा। तो आप आज से लेकर अगले 6 महीने की प्लानिंग कर सकते हैं, जो अगले साल या नए साल भी आपकी परिस्थिति को और मजबूत करके जाएगा। आर्थिक रूप से आप काफ़ी सबल और सक्षम अपने आप को होते हुए देखेंगे विद इन द नेक्स्ट 3 to 4 months की अगर मैं बात करूं तो। कुल मिला के आज का दिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, साथ ही साथ अगर आप कुछ नया निवेश करने की सोच रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, आज का दिन अगर मैं देखूं तो स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को बढ़ा सकता है, खासतौर से सेकेंड हाफ के दौरान। तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग और थोड़ा सा आपको एक अलर्ट सिचुएशन में भी रहना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टरी सलाह या परामर्श लेने की ज़रूरत है तो उसमें आपको डिले नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ लंबे समय से चल रहा हुआ कोई भी पेंडिंग लीगल तनाव या आपका फंड्स अगर कहीं पर रुके हुए हैं तो वो भी अब रिलीज़ होते हुए या आपके फेवर में परिस्थिति मूव होते हुए आज के दिन आपको दिख जाएगी। कुल मिला के आज का दिन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को अगर बैलेंस बनाकर रखें तो बाकी सारी चीज़ें आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, आपका आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से आपको निजात दिला सकता है। लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव भी अब साझा होता हुआ नज़र आएगा। परिवार की तरफ से लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे, साथ ही साथ कार्यक्षेत्र में भी आप अपने लिए परिस्थितियां पॉजिटिव होते हुए देखेंगे। कुल मिला के बहुत अच्छा संयोग है, परिस्थितियां भी अनुकूल बन रही हैं। खासतौर पर वो लोग जो नौकरी चेंज करने के इच्छुक थे, अब आपके लिए यही टाइम है जहाँ पर आप अपनी सिचुएशंस को और ज़्यादा पॉजिटिव और काफ़ी ज़्यादा सबल और सक्षम बनकर आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए एक मूड स्विंग से भरा हुआ हो सकता है। खासतौर पे फर्स्ट हाफ के दौरान थोड़े से चिड़चिड़े होंगे, राइट फ्रॉम द फर्स्ट इन द मॉर्निंग जब आप उठेंगे तो आपको अपने मूड को सही करने की कोशिश करनी चाहिए। रिलैक्स रहिए, रेजुविनेट करने की कोशिश करिए। कहीं ना कहीं आपको मेंटल टेंशन सता सकती है, छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेसफुल आप हो सकते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेस फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ भी ऑल्टरनेटिव रेमेडी का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आज के दिन खान पान पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। कार्यक्षेत्र में सिचुएशंस ऑलरेडी आपके लिए पॉजिटिव होना शुरू हो गई हैं, लेकिन वाणी का प्रयोग सोच समझ के करिए कि बनी बनाई बात ना बिगड़ जाए। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए पॉजिटिविटी से भरा है। आज का दिन आपके लिए सारी चीज़ें अनुकूलतम बनाएगा, मन आपका शांत रहेगा, विचार आपके लिए प्रबल रहेंगे, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ अगर लंबे समय से आप कुछ अपने लिए प्लान करने की सोच रहे थे और नहीं कर पा रहे थे, अब वो सारी सिचुएशंस आपके लिए पॉजिटिव होती हुई नज़र आएंगी। जो लोग वाहन खरीदने के इच्छुक थे या वाहन चेंज करने के इच्छुक थे, वो परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल होती हुई नज़र आएंगी। साथ ही साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में भी, तो वहां पर भी आपको शुभता, शुभ संकेत या पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा संयोग या संकेत हो सकता है। सोच के समझ के आज के दिन इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स को साइन करने की ज़रूरत है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। मन आपका शांत रहेगा, परिस्थितियाँ अनुकूल रहेंगी, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। सामान्यता जैसा जा रहा है दिन जाता रहेगा, कुछ खास उतार चढ़ाव चीज़ों में देखने को नहीं मिलेगा। कुल मिला के परिस्थितियाँ आपके फेवर में हैं, अच्छे से चीज़ों को लेकर चलिए, अग्रसर रहिए, पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करते रहिए, मन को शांत रखिए, नेगेटिविटी को कंट्रोल में रखिए। आपकी सिचुएशंस ऑलरेडी आपके फेवर में रहेंगी। साथ ही साथ अगर आप कुछ नयापन अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो आप ऑल्टरनेटिव या मल्टीपल इनकम रिसोर्सेज पे भी काम कर सकते हैं, जो कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ सकती हैं। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। आपका आज का दिन तुला राशि वालों ठीक रहेगा, कुछ खास आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परिवार में अगर लंबे समय से कोई बीमारी चल रही थी तो वो भी अब कंट्रोल या कंटेंट होती हुई नज़र आएगी। पारिवारिक स्तर पर भी आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, माता पिता के स्वास्थ्य में भी इजाफा होता हुआ नज़र आएगा। पारिवारिक संतुलन बना रहेगा, परिवार में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, साथ ही साथ आप अपने और अपने परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक या पॉजिटिव सिचुएशंस ला पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये अच्छा एक संयोग है जो आपके सिचुएशंस को और ज़्यादा पॉजिटिव कर सकता है। इसी तरह से चलते चलिए, परिवार के साथ रहिए। अगर आप अपने परिवार के साथ आज क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बहुमूल्य चीज़ें भी आपको देखने को, सीखने को या सुनने को मिल सकती हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए।
वृश्चिक राशि वालों, जल्दबाजी फाइनेंशियल मैटर्स में ना करके सोच के समझ के डॉक्यूमेंट्स को साइन करें। खासतौर पे प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में आज के दिन सतर्क या सजग रहने की ज़रूरत है। लंबे समय से चल रहा कोई लीगल तनाव अब आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आप अगर इंट्रोस्पेक्टिव व्यू में अगर आज जाएंगे तो आज अपना आकलन बेहतर तरीके से कर पाएंगे। फाइनेंशियली या प्रोफेशनली दोनों ही तरफ आपके लिए पॉसिबिलिटीज जनरेट हो रही हैं, जहां पर आप अपनी सिचुएशंस को और ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। लंबे समय से चल रहा कोई परिवार में तनाव या खासतौर पर अपने पार्टनर के साथ चल रहा कोई मनमुटाव भी अब साझा होता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। आज का दिन धनु राशि वालों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टायरिंग टैक्सिंग रह सकता है, विचलित भी रह सकते हैं फर्स्ट हाफ के दौरान, तो अपने मन को शांत रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। साथ ही साथ आपको अपने लिए कुछ ना कुछ नया करने की ज़रूरत है आज के दिन। अगर आप चाहें प्रोफेशनली और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने रेज्यूमे को कुछ एडिट सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको सेकेंड हाफ के दौरान टाइम मिलेगा जहां पर आप लंबे समय की प्लानिंग भी कर सकते हैं। आप 3 महीने या 6 महीने की प्लानिंग करिए जहां पर आप अपने करियर को और स्मूदन अप कर सकते हैं। एलिवेट भी हो सकता है आपका रोल प्रोफेशनली, तो इसमें भी कहीं ना कहीं से आपको पॉजिटिव इंडिकेशंस देखने को मिल जाएंगे। जो लोग शिक्षण संस्थान से, शिक्षा के फील्ड से जुड़े हैं या शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षक हैं या विद्यार्थी हैं, उनके लिए आज का दिन काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों आज के दिन की मैं बात करूं तो सामान्यता जाएगा, कुछ खास उतार चढ़ाव चीज़ों में देखने को नहीं मिलेगा। जो लोग शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करते हैं या शेयर ट्रेडिंग करते हैं, वहां पर आपको लॉसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा, तो आपको देखना पड़ेगा टैक्टफुली कि कब आपको एग्जिट करना है। साथ ही साथ अगर थोड़ा सा आज के दिन कॉशियस होकर इन्वेस्टमेंट करें या ट्रेडिंग करें तो ज़्यादा आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि पॉजिटिविटी आपके जीवन में बनी रहे तो पार्टनर के साथ आपको खुल के बात करनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बरतिए, कम्युनिकेशन को इंटैक्ट रखिए, जिससे कि आप अपनी सिचुएशंस को और पॉजिटिव बना पाएं। कुल मिला के आज का दिन आपके लिए एक नई शुरुआत के लिए कारगर साबित हो सकता है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ला सकता है। आप अगर किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, मन को शांत रखिए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़ते चलिए, सिचुएशंस को आप अपने काबू में कर पाएंगे। आप कोई मानसिक तनाव से अगर जूझ रहे हैं तो वहाँ पर अब आपको समय आ गया जहाँ पर आपको किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत है। किसी व्यक्ति विशेष से बातचीत करके अपने स्ट्रेस को साझा करिए, खासतौर पर अगर रिलेशनशिप इशू है या आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, डिवोर्स से सेपरेशन के दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ पर आपको इस चीज़ से निकलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप किसी व्यक्ति विशेष से, जो मूलतः आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, उससे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, जिससे कि पॉजिटिविटी आपको चीज़ों में देखने को मिल जाए। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, परिस्थितियां आपके फेवर में हैं, फेवरेबल भी रहेंगी। आज से अगले 3 महीने की आप फाइनेंशियल प्लानिंग्स कर सकते हैं, जो आपकी सिचुएशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है। मन आपका शांत रहेगा, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन ना लें जहां पर आपको नेगेटिविटी चीज़ों में देखने को मिल सकती है। पूरा परिवार का सहयोग आपको मिलता रहेगा। आपकी सामाजिक साख या प्रतिष्ठा या कार्य क्षेत्र में भी पराक्रम में वृद्धि होते हुए देखेंगे, तो कुल मिला के संयोग या परिस्थितियाँ आपके लिए अनुकूल या बेहतर हो रही हैं। अब किस तरह से कैसे आप उसको अपने फेवर में ला सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आज के दिन आपको जितनी मेहनत करनी है उतना आप अनुकूल अपने प्रोपोर्शन में अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छी परिस्थिति क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।